आज आप हमारे साथ एक्सप्लोरिंग प्लेसेस के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं लैंसडाउन को। ये वो रास्ता है जो सामने से जा रहा है और इधर एक है छोटी सी कैंटीन। इसमें अभी हम मंदिर से निकल चुके हैं और मंदिर से निकलते ही जो पुल है उससे हमने लिया है राइट हैंड साइड टर्न और यहाँ से जो लैंसडाउन है उसकी दूरी है 37 किलोमीटर की और यही रोड हमारी पौड़ी तक जाती है जो लगभग 100 किलोमीटर के करीब है। तो आप देखिए अभी तो रोड की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई गड्ढे वगैरह नहीं है इसमें। तो आगे आगे देखते हैं कैसी रोड की कंडीशन होगी। यहाँ से लिखा हुआ है दुगड्डा नाम की एक जगह पड़ती है, ये भी काफी सुंदर है और ये 12 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हम पहुंच चुके हैं दुगड्डा पे और यहाँ तक का जो रास्ता था वो काफी सही था, बस ये मान लीजिए आप 10% के करीब रास्ता वो हमारा खराब था और बाकी रास्ते यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से। सामने से वहाँ पे एंट्री दी हुई है उधर से और एंट्री करके आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं और रास्ता भी है यहाँ पे थोड़ा लेकिन कच्चा है और काफ़ी सुंदर रास्ता है। तो अभी हम दुगड्डा से आगे आ चुके हैं और लैंसडाउन वाले जो मेन हमारी रोड है उस पर निकल रहे हैं। तो यहाँ से जो रास्ता है वो काफ़ी सही बना हुआ है, ये मान लीजिए आप कि अगर आप इधर से आते हैं तो आपको ये देखिए आप व्यू भी देख सकते हैं सामने जो लैंसडाउन की जिस ब्यूटी के लिए जाना जाता है वो पूरी आपको यहाँ पे नज़र आनी अब शुरू हो जाएगी। रास्ता थोड़ा नैरो है लेकिन रास्ता ख़राब नहीं है, अच्छा रास्ता है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर एक बस और एक कार आएगी तो अभी आपने जैसे देखा कि गाड़ी आपको अपनी साइड में लगानी पड़ेगी, बाकी जगह साइड में दी हुई है पूरी प्रॉपर तरीके से, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है। अभी रास्ते में काफ़ी अच्छी जगह मिली और हम वहाँ पे रुक गए हैं और देखिए आप मेरे पीछे कितने सारे जो पाइन ट्री हैं वो हमारे पीछे हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो हम यहाँ पे रुक गए, कुछ शॉट वगैरह लेते हैं। तो अभी रूम में हमने एंट्री कर ली है और ये रूम हमारा है और रूम कुछ इस तरीके से, ये स्वाति आते ही लेट गई है, बहुत ज़्यादा थक रही थी। तो रूम काफ़ी अच्छा है ये, यहाँ पे ये हमको काफ़ी मतलब अभी ऑफ सीजन में जो है वो काफ़ी, ये एक बार आप बाथरूम देख लीजिए, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है इसमें, सारी फैसिलिटी है इसमें बेसिक। तो रूम में एक बता रहा था कि रूम अभी जो हमें यहाँ पे मिला है वो मिला है अराउंड 2000 पर डे के हिसाब से और ये ऑनलाइन सबसे अच्छा न्यूली कंस्ट्रक्टेड होटल है, तो आप इसमें आके रुक सकते हैं। यहाँ से लैंसडाउन जो है हमारा वो लगभग 4 किलोमीटर के करीब बचता है। तो बहुत सारे होटल इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बालकनी से आप व्यू देखिए, क्या सुंदर व्यू है।
पूरा गजब का व्यू यहाँ से आपको नजर आएगा। ये देखिए, एक बार मैं आपको शाम को दिखाऊंगा जब यहाँ पे आपका ये जो सनसेट होगा वो जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि सामने जो हमारे पहाड़ हैं उनके पीछे होगा और मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा सनसेट का क्या होगा। सनराइज तो हम इसमें शायद ना देख पाए लेकिन सनसेट काफ़ी अच्छा दिखाई देगा इस होटल से और इस रूम से। अभी हम पहुंच चुके हैं लैस डाउन में और अभी हमने एंट्री करी है, जो सबसे एंट्री करते हैं हमारा SBI बैंक के पास हमारा एक गार्डन पड़ता है, इसके अंदर अभी हम, इसके अंदर प्लेन खड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा व्यू। देखिए यार गार्डन का, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पे अपना टाइम काफ़ी अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, हाफ एन आवर यहाँ पे स्पेंड करना सफिशिएंट है। By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. इस गार्डन का मैं आपको पूरा का पूरा टूर करा देता हूँ। यहाँ पे काफी अच्छी जगह है, ये देखिए, काफी शांत जगह है। और इसका जो नाम है वो नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है मेन वार्निंग गार्डन। और इधर से मैं चल के आपको, ये सामने एक प्लेन खड़ा हुआ है और ये शायद MiG-21 है जो इन्होंने डेमो के लिए खड़ा किया हुआ है इस गार्डन के अंदर, और काफ़ी सुंदर गार्डन है ये। बाहर हो रही है बहुत ठंड और जो अभी आपने देखा है टाइम लैप्स वो देखने ही मैं यहाँ पे रुक गया, और रुकने के साथ ही बस सूरज जो है वो ढलने ही वाला था और ढलते ढलते वो ढल ही गया। तो अभी हम वैसे तो जा रहे थे टिफिन टॉफ और काफी सारी जगह जा रहे थे, लेकिन शाम 5 बजे के बाद जब मैं वहां पे गया तो वो बंद हो चुका था। तो अगर आप आना चाहें तो 5 बजे से पहले आइएगा क्योंकि शाम होने के साथ साथ यहां पे वो सब बंद हो जाता है। तो अभी हम वापसी आ गए हैं अपने होटल में और दोबारा से, क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा यहाँ से व्यू होटल की बालकनी से कितना अच्छा आ रहा है। और ये जो भी पीछे जगह है ये देखिए, शायद कुछ पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। नाइट में जो होटल का हमारे बालकनी से व्यू है वो कुछ इस तरीके का है, और ये देखिए यहाँ पे सनसेट जो है वो पूरा हो चुका है अभी। तो वैसे तो अंधेरा हो चुका है लेकिन मोबाइल में काफ़ी सही नज़र आ रहा है अभी नाइट मोड की वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सामने गाँव है ये, और ऊपर कुछ घर वगैरह बने हुए हैं। तो ये सामने भी एक छोटा सा गाँव है, काफ़ी बड़ा नहीं है। ये देखिए अभी आ गया हमारा डिनर, और डिनर के करने के साथ ही हम इस आज के व्लॉग को एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे जल्दी फिर से, और तब तक क्या लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanted to.